तो गाइस क्या लॉल्स गेमिंग फेक वॉचिंग लगाता है और फेक व्यूज लेता है? लॉल्स गेमिंग के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे एलिगेशन लग रहे हैं कि लॉल्स गेमिंग ये करता है वो करता है, फेक वॉचिंग लाता है, और फेक वॉचिंग ला के ही ये वर्ल्ड के टॉप स्ट्रीमर्स में आ गया, वो भी टॉप 5 में। तो क्या ये सच है और कितना सच है, इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ और सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, कुछ भी हवा में बात नहीं होगी। सारी बात हम यहाँ पे लॉल्स गेमिंग के एनालिटिक्स से करेंगे, मतलब कि जो लॉल्स गेमिंग का यूट्यूब का एनालिटिक्स है, और देखते हैं कि ये कितना सच है कि लॉल्स गेमिंग व्यू बोट यूज करता है, क्योंकि लॉल्स गेमिंग का स्टैट्स देख के हमको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। तो यही होने वाला है इस वीडियो में, एंड अभी फटाफट से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आपको ये तो पता ही होगा कि लॉल्स गेमिंग कौन है, वन ऑफ द टॉप स्ट्रीमर्स ऑफ इंडिया में से है लॉल्स गेमिंग, जो कि बीजीएमआई की लाइव स्ट्रीम करते हैं और बहुत ज्यादा वॉचिंग लेके आते हैं। उनकी वॉचिंग ऐसे आती है अराउंड 20K 30K, मतलब कि 20-30 हजार लोग एक टाइम पे देख रहे होते हैं, और ऑन एन एवरेज ना उनकी वॉचिंग ऐसे ही आती है 10,000-15,000। तो देखा जाए ना तो भाई ये काफी बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर आपको देखे तो भाई आप में कुछ तो बात होगी। तो लॉल्स गेमिंग में ऐसी क्या बात है, या फिर ये जो वॉचिंग आती है ये एक फेक वॉचिंग है जो कि यूट्यूब पे लगाई जाती है उनकी लाइव स्ट्रीम पे, और वो किस सॉफ्टवेयर से लगती है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना मेरे को एक्सपीरियंस है ना तो मैं उस हिसाब से ये बोल सकता हूँ कि यूट्यूब पे व्यू बोट लग सकता है, फेक वॉचिंग लग सकती है। बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या लॉल्स गेमिंग यहाँ पे सच में व्यू बोट लगाते हैं या फिर लगवाते हैं? तो इसका आंसर मैं अभी आपको देता हूँ एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ में देंगे, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स में आपको पहले बताऊंगा कि क्या है स्टैटिस्टिक और उसको एक्सप्लेन करूंगा, और जो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना उस हिसाब से भी आपको मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जितना देखा है ना, जो यहाँ पे फेक वॉचिंग लगाते हैं उनके व्यूज लाइव स्ट्रीम के बाद में गिर जाते हैं सडनली। मतलब ऐसे मान लो कि किसी ने 2000 की फेक वॉचिंग लगाई, तो उसको अगर 3 घंटे तक भी 2000 की कॉन्स्टेंट वॉचिंग आ रही है ना, और कोई भी यहाँ पे चैट में उसके एक्टिव नहीं है, तो वो वॉचिंग ना यहाँ पे फेक वॉचिंग मानी जाती है। और जब वो स्ट्रीम खत्म होगी ना तो उसके बाद में भी आपको दिख जाएगा कि व्यूज कितने हैं, और उस लाइव स्ट्रीम पे ऐसे ही व्यूज होंगे 300-400, ऐसे यहाँ पे व्यूज होंगे। अगर 2K की वॉचिंग आती है उस पे तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे फेक वॉचिंग, और ये सबसे आसान तरीका है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि कौन यहाँ पे व्यू बॉट यूज कर रहा है और कौन यहाँ पे नहीं कर रहा। तो इस हिसाब से अगर हम लॉल्स गेमिंग को देखें तो लॉल्स गेमिंग ने कल यहाँ पे स्ट्रीम करी थी, एंड मैंने सुबह चेक किया था, आज संडे है और मैं संडे शाम को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सुबह जब चेक किया था तो लाइव स्ट्रीम पे जो व्यूज थे वो थे 5,80,000 के अराउंड, और अभी मैंने चेक किया तो इस पे व्यूज है 5,90,000 के भी ऊपर। और अगर आप मंडे को या ट्यूजडे को या जब भी ये वीडियो आप देखोगे फ्यूचर में, तो आप भी यहाँ पे जाके देख सकते हो ये वाला थंबनेल और ये वाला टाइटल, और इस पे व्यूज देखना ज्यादा ही होंगे। तो इस हिसाब से तो देख के यही लगता है कि भाई फेक वॉचिंग तो नहीं है, क्योंकि व्यूज भी बढ़ रहे हैं, और जो भी यूट्यूबर फेक वॉचिंग यूज करता है उसके व्यूज यहाँ पे नहीं बढ़ते हैं स्ट्रीम एंड करने के बाद में। व्यूज अगर 2000 पे रुके ना तो वो 2000 पे ही रुके रहते हैं, 2001 भी नहीं होते। एंड अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है सब्सक्राइबर का। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी लोग फेक वॉचिंग यूज करते हैं उनके सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि यूट्यूब को पता चल जाता है और यूट्यूब फिर उनको पुश नहीं करता है, मतलब कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है ना वो उनको पुश नहीं करता है जल्दी। तो इसी बेस पे अभी हम चेक करते हैं लॉल्स गेमिंग का एनालिटिक्स, और ये एनालिटिक्स आप भी जाके देख सकते हो socialblade.com पे। तो अभी आपको मैं 2024 का पूरा यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड 1 जनवरी 2024 को लॉल्स गेमिंग के सब्सक्राइबर थे ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन, और अभी अगर हम जाके चेक करें तो यहाँ पे आप राइट साइड वाला देखो तो ये 25 फेब तक का है, और इसमें यहाँ पे सब्सक्राइबर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,00,000 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और वो अभी बस 50 दिनों के अंदर 2024 को आए हुए 50 दिन से ज्यादा ही हो चुके हैं। तो 50 दिन ही ऑलमोस्ट मान के चले तो भाई 1,00,000 सब्सक्राइबर 50 दिन में बढ़ना काफी बड़ी बात होती है। तो इसको देख के भी ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कहीं से भी फेक वॉचिंग या फिर व्यू बोट लॉल्स गेमिंग यूज करते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बस सब्सक्राइबर बढ़े जा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अनसब्सक्राइब भी करते हैं। तो क्या पता रियल नंबर यहाँ पे 1,00,000 या फिर 1.5 लाख से भी ज्यादा हो, जो कि अभी सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और बहुत लोग ऐसे भी यहाँ पे होंगे जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया होगा। और अगर हम मंथली व्यूज भी देखें ना, ये भी आप जाके सोशल ब्लेड पे देख सकते हो, तो ये भी यहाँ पे लास्ट 30 डेज में, मतलब कि लास्ट एक महीने में 14 मिलियन के भी ऊपर है। तो भाई जिसको 14 मिलियन व्यूज आ रहे हो एक महीने में, उसको यहाँ पे व्यू बोर्ड यूज करने की क्या जरूरत है? तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के मैं तो बोल सकता हूँ कि लॉल्स गेमिंग बिल्कुल भी फेक वॉचिंग यूज नहीं करते हैं। और आपको जो भी ऐसे बोल रहे हैं ना कि लॉल्स गेमिंग तो फेक वॉचिंग यूज करता है, तो उन सब की बात ना बिल्कुल गलत है यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे 2-3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे, आप जाके मेरा चैनल भी देख सकते हो, 700 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोडेड है। तो भाई मेरे को पता है कि कैसे यहाँ पे क्या होता है। और एक तो किसी 3 लाख वाले यूट्यूबर ने वीडियो आज बनाई थी, और वो उसमें बोला था कि यूट्यूब अगर अपडेट देगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो भाई यूट्यूब ऐसा अपडेट क्यों देगा कि इसमें हमने व्यू बोर्ड को फिक्स कर दिया है, अब यहाँ पे व्यू बोर्ड कोई नहीं लगा पाएगा? तो
ऐसे तो यहाँ पे YouTube की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ जाएगा कि भाई YouTube पे तो व्यू बोर्ड लगता है, तो ये चीज YouTube के लिए भी काफी इंसल्टिंग होगी। तो इस वजह से YouTube भी ऐसा कभी नहीं करेगा, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। तो यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो कि लॉल्स गेमिंग के फैंस हो या फिर हेटर्स हो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।